सीबीएसई के बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आ गए हैं। एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है। यही नहीं, पिछले साल के मुकाबले इस साल छात्रों का रिजल्ट भी बेहतर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। 10वीं और 12वीं में बेटियों ने कमाल किया और फिर से बाजी मारी। 10वीं के नतीजे 94.75% लड़कियां पास, 92.71% लड़के हुए पास, कुल 93.60% छात्र हुए पास। लड़कों के मुकाबले 10वीं 2.04% ज्यादा लड़कियों ने बाजी मारी है। 10वीं में कुल 22,38,827 छात्रों ने परीक्षा दी थी। इन छात्रों के लिए देश भर में कुल 7,603 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जबकि कुल 25,724 स्कूल के छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं 12वीं में भी बेटियों का नतीजा बेटों के मुकाबले बेहतर रहा। बारहवीं के नतीजों की बात करें तो 91.50% लड़कियां पास, 85.12% लड़के पास, कुल 87.98% छात्र पास हुए। पिछले साल 12वीं में छात्रों का पास होने का प्रतिशत 87.33% था। वहीं इस साल लड़कों के मुकाबले 6.40% लड़कियां ज्यादा पास हुई हैं। वहीं रीजन की बात करें तो इस साल त्रिवेंद्रम रीजन का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा। इस साल 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच हुई थी, जबकि 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी से 13 मार्च के बीच ली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इसी के साथ ही यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।